हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माहेश्वरी रसोई। आज मैं आपके साथ एक नई और यूनिक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, वो है बेसन की नमकीन बर्फियाँ। ये खाने में बहुत अच्छी लगती हैं, एक तरीके से आप इन्हें खांड भी कहीं दूसरा रूप कह सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेसन से नमकीन बर्फी बनाने के लिए मैंने लिया है ये 200 ग्राम बेसन है, ये नॉर्मल बेसन है। 100 ग्राम मैंने खट्टा दही लिया है, दही जितना खट्टा हो उतना अच्छा है। नमक टेस्ट के हिसाब से मैंने आधा चम्मच लिया है। आधा छोटा चम्मच से कुछ कम मैंने मिर्ची ली है। जीरा आधा छोटा चम्मच से कुछ कम। आधा चम्मच राई। चौथाई चम्मच मैंने हल्दी ली है। एक छोटा चम्मच चीनी। अदरक और हरी मिर्च, ये 3-4 हरी मिर्च और आधा इंच अदरक का टुकड़ा है। और थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ। कुछ पत्ते मैंने करी पत्ते के लिए हैं। और आधा छोटा चम्मच मैंने कसूरी मेथी लिया है। और एक पिंच हम हींग यूज़ करेंगे। और ये 20-25 ग्राम रिफाइंड ऑयल है जो हमें बर्फ़ी बनाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। और 200 ग्राम के करीब हमें पानी की ज़रूरत होगी। जितना बेसन है उससे 3 गुना हमें दही और पानी मिला के लगेगा, यानी 100 ग्राम मैंने दही लिया है और 200 ग्राम पानी, ये इसका मेज़रमेंट है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे और गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे। और ये जो हमने रिफाइंड ऑयल लिया था, इसमें से हम 1 छोटी चम्मच रिफाइंड ऑयल कढ़ाई में डाल देंगे। रिफाइंड को गर्म होने देते हैं। और जैसे ही रिफाइंड गर्म होता है, हम उसमें सिर्फ 1/4 छोटी चम्मच मस्टर्ड सीड यानी कि राई डाल देंगे। राई फूटने लगी है और इसी समय हम इसमें ये बेसन डाल देंगे। और लो फ्लेम पर हम बेसन को गुलाबी होने तक भूनेंगे। बेसन काफ़ी बारीक होता है और हमने इसमें रिफाइंड ऑयल भी बहुत ही कम डाला है, इसलिए हमें इसे लगातार चलाते हुए ही भूनना होगा। और फ्लेम पर आप ज़रूर ध्यान रखें और कढ़ाई आप भारी पैदे की लें तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए बेसन अच्छी तरह भून चुका है, मैंने इसे मीडियम और लो फ्लेम पर करीब 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह भून लिया है और इसका कलर एकदम पिंक हो गया है। हम गैस का फ्लेम अब ऑफ कर देंगे और एक मिक्सी के जार में हम ये 100 ग्राम खट्टा दही और इसका जस्ट डबल हम पानी लेंगे। और इसी में हम ये जो हमने बेसन भूना था, ये हल्का सा ठंडा हो गया है, इसी समय इसमें डाल देंगे और हम इन सब चीज़ों को एक साथ हम चला लेंगे। अब हम गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और उस पर एक कढ़ाई रख देंगे। और ये बचा हुआ जो रिफाइंड ऑयल था ये इसमें डाल देंगे। रिफाइंड को हम गर्म होने देंगे। रिफाइंड गर्म हो गया है, अब हम ये 1 पिंच इसमें हींग डालेंगे। जीरा और ये हम जरा सी राई रोक लेंगे। राई फूटने लगी है, इसी समय हम इसे अदरक और हरी मिर्च डाल देंगे। लगातार चलाते रहेंगे। ये हल्दी और जो कप हमने मेजरमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं वो 1 कप हम इसमें पानी डालेंगे। और 1 और कप पानी में उबाल आने देंगे। और जैसे ही पानी में उबाल आता है हम ये दही पानी और बेसन का मिश्रण इसमें डाल देंगे और इसे लगातार चलाएंगे। और इसी समय हम ये लाल मिर्च और ये चीनी भी इसी में डाल देंगे।
और इसे लगातार चलाते हुए हम इसे बेसन को पकने तक पकाएंगे। इसे लगातार चलाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें लम्स बढ़ सकते हैं। इसे चलाते हुए मुझे मात्र 2 मिनट हुए हैं और ये देखिए काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसमें टेस्ट के हिसाब से ये नमक डाल देंगे। और इसे चलाएंगे। आधा धनिया हम इस समय गिरेंगे और आधा हम गार्निशिंग के लिए यूज करेंगे। अगर आपका दही खट्टा नहीं है तो आप इसी स्टेज पर उसमें नींबू का रस डाल सकते हैं या आप जरा सी टाटरी डाल सकते हैं। टाटरी डालते हुए इस बात का जरूर ध्यान रखें कि टाटरी बहुत खट्टी होती है, इसलिए बहुत ही जरा सी गिरे। इसे चलाते हुए मुझे करीब 5 मिनट हो चुके हैं और देखिए बेसन अब तले को छोड़ने लगा है, यानी ये थोड़ी देर में जमने के लिए तैयार हो जाएगा। इसे मैंने करीब 5 से 7 मिनट चला लिया है। अब गैस बंद करने से पहले हम एक बार चेक कर लेंगे। थोड़ा सा मिश्रण हम एक प्लेट पे डालते हैं और इसे ठंडा होने देंगे। और जब ये ठंडा हो जाए तो हम चेक करेंगे। ये देखिए ये बहुत आसानी से इस तरीके से उतर के आ रहा है, यानी कि जमने के लिए तैयार है। अब हम गैस का फ्लेम और अब एक ट्रे को हम अच्छी तरह ग्रीस कर लेंगे। और ये जो हमने बेसन का मिश्रण तैयार किया था ये इस पे पलट देंगे। और इसे मैंने एक प्लेट पर अच्छी तरह फैला दिया है। अब हम इसे ठंडा होने देंगे। अब एक फ्राई पैन में हम ये बिल्कुल 2 छोटी चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे। आप चाहें तो सरसों का तेल भी डाल सकते हैं और इसे गरम कर। और जैसे ही रिफाइंड गरम होता है उसमें हम ये राई, करी पत्ता, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, कसूरी मेथी और ये मैंने कुछ मिर्चें लंबी काटी हुई हैं, ये ऑप्शनल है, आप पसंद करते हैं डालिए वरना आप कट डालिए। और इनको हम कुछ सेकंड के लिए इसी तरीके से चला लेंगे। छौंक हमारा तैयार है, गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। और जब बर्फियाँ भी हमें हल्की गर्म ही हैं उसी समय हम ये छौंक इस पर अच्छी तरह फैला देंगे। और ये हरा धनिया और एक बार हल्के से हाथ से दबा देंगे जिस पे ये सब अच्छी तरह सेट हो जाए। और हम इसे रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। अब बर्फियाँ ठंडी हो गई हैं, अब हम इनमें कट लगा लेंगे। और इस तरीके से कट लगाने के बाद सरका सरका के हम इसमें से ये बर्फियाँ उतार लेंगे। और ये इस तरीके से एकदम अच्छे शेप में सूखी सूखी बर्फियाँ हमारी निकल आएंगी। बर्फियाँ जब तक पूरी तरह ठंडी ना हो आप उन्हें ना काटिए। ये देखिए ये बर्फियाँ कुछ इस तरीके की होती है। हमारी खट्टी, मीठी और तीखी बर्फी बनकर तैयार हैं। अगर आप चाहें तो इस पर थोड़ा सा गोले का बुरादा और ये गुजिया वाले से बर्फी बनकर तैयार है। कमेंट करके प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लगी। नमकीन बर्फियाँ बनाते हुए आप कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। आप जल्दी पकाने के चक्कर में पानी की मात्रा कम ना करें, बेसन खट्टा हो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।